हमेशा सीनियर था मैं उसका, लेकिन उसकी ईमानदारी पर हमेशा सल्यूट मारने का मन किया। और आज जिसने भी ऐसे सच्चे पुलिस वाले पर चोरी का आरोप लगाया है, आई तुझे शपथ, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। बाजीराव सिंह का बाजीराव सिंघम बहुत सुना है। कुछ सवाल करने थे। यार कोई जवाब ढूंढ नहीं आता है। लेकिन फर्क है, आपके भक्तों को जवाब नहीं मिलता तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, यहां मुझे मेरे जवाब नहीं मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपके आश्रम की एम्बुलेंस 3 महीने में 12 बार सतारा हाईवे पर देखी गई है। सेवक हूं मैं, और एम्बुलेंस सेवा के लिए, जहां मदद की जरूरत पड़ेगी एम्बुलेंस नंगे पांव निकल पड़ेगी। फिर तो आपके एम्बुलेंस के पैरों में छाले पड़ गए होंगे, क्योंकि 256 किलोमीटर बार बार जाना, 4-6 घंटे का सफर तय करना, इस दौरान मरीज की जान तो क्या उसका दूसरा जन्म हो जाता है। संतुष्टि हुई है सुनकर कि तुम जन्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो। लो खाओ प्रसाद। और भी बहुत चीजें दिमाग में रखता हूं बाबा, जैसे आपने मिसिंग एम्बुलेंस की रिपोर्ट तो लिखाई, लेकिन ड्राइवर गायब होने की नहीं, इसका क्या जवाब है आपके पास? ए सिंघम, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? बाबा से पूछताछ करेगा? बाबा से? प्रकाश राव, ताकत मिलते ही गलत विचार बुद्धि में जगह बना देते हैं, जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। ए, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, तेरा फालतू का भाषण सुनने नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? तेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। 10 करोड़ ना पेड़ पे उगते ना आसमान से गिरते हैं, और ना ही इस शहर में इतनी बड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है प्रकाश राव जी। तो इसका ये मतलब थोड़ी निकलता है कि महेश बेगुनाह है, उसी ने मारा होगा ड्राइवर को। अगर ऐसा है तो आईटी शपथ की वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। लेकिन अगर कोई और निकला तो कुत्ते की तरह यहां से घसीट के लेके जाऊंगा। बाबा से बदतमीजी करता है, बाबा से। शांति शांति। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है कि क्रोध से आदमी भ्रमिष्ट हो जाता है, और भ्रमिष्ट आदमी विनाश की ओर जाता है। और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 में भी लिखा है, काला धन रखने के जुर्म में 7 साल तक की सजा, और मर्डर के जुर्म में 302 के तहत मौत की सजा। आली रे आली, अता तुम चिपा रही आली।